वेलकम टू मूवीज अड्डा एंड दिस इज योर बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोलकामा। चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते की रिलीज फिल्म पद्माशियां की। हमने अक्सर देखा है कि हमारी कई फिल्में किसी फॉरेन फिल्मों की ऑफिशियल या कि अनऑफिशियल रीमेक होती है। इनमें से कुछ अच्छे डायरेक्टर्स अपनी सूझबूझ के दम पर इन्हें अच्छी तरह से इंडियनाइज करते हैं विद सपोर्ट ऑफ गुड परफॉर्मेंसेस अटैच्ड टू इट। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे डायरेक्टर्स भी है जो शेमलेसली ओरिजिनल सोर्स को कॉपी करते हैं, जहाँ पर उस फिल्म के हैंगओवर के कारण फ्रेम टू फ्रेम सिमिलर फिल्म बनाते हैं विद जस्ट इंडियन एक्टर्स रिप्लेसिंग द ओरिजिनल वंस। हमारे देश में आपको कभी कोई इंडियन काउबॉय ड्रेस पहनकर कोड़ा चलाते हुए या के पुलिस इंस्पेक्टर स्टाइलिश सूट पहनकर हाथ में डोनट और ब्लैक कॉफी के साथ दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये सिचुएशंस फॉरेन कंट्रीज के लाइफस्टाइल के हिसाब से कॉमन है। लेकिन उसके बाद भी हमारे ये फिल्म मेकर इस जॉनरा या के सिचुएशंस को हमारी हिंदी फिल्मों में एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं और नतीजा बुरा ही साबित होता है। अब इस हफ्ते की रिलीज फिल्म बदमाशियां भी एक कोरियन फिल्म की रीमेक है, स्टारिंग मोस्टली न्यू एक्टर्स इंक्लूडिंग शारिब हाशमी, जो कि अपनी पिछली फिल्म फिल्मिस्तान की अपार सफलता के कारण काफी चर्चे में है। तो चलिए जानते हैं कि क्या बदमाशियां एक और फ्रेम टू फ्रेम कॉपी ऑफ इट्स ओरिजिनल सोर्स साबित होगी या कि ये एक और अच्छी इंडियनाइज एडेप्टेशन निकलेगी विद गुड परफॉर्मेंसेज अटैच्ड टू इट। बदमाशियां फिल्म की कहानी है देव यानी कि सिद्धांत गुप्ता की, जो पहली ही नजर में नारी यानी कि सुजाना मुखर्जी के प्यार में पड़ जाते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि देव नारी को प्रपोज कर सके, नारी देव को बीच मझधार में छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद देव एक डिटेक्टिव पिंकेश यानी कि करण मेहरा को हायर करते हैं, वो फाइंड आउट अबाउट नारी एंड लेटेस्ट लव अफेयर विद डॉन जस्सी चौधरी यानी कि शारिब हाशमी। वहीं दूसरी ओर देव की जिंदगी में पलक यानी कि गुंजन मल्होत्रा आती है और कैसे ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये फिल्म एक कोरियन फिल्म कपल से इंस्पायर्ड है, लेकिन कई बेसिक सिमिलैरिटीज भी नजर आएगी विद अक्षय कुमार सुनील शेट्टी स्टार ऑफ फिल्म आवारा पागल दीवाना, जो कि एक हॉलीवुड की फिल्म द होल नाइन यार्ड्स की रीमेक थी। बदमाशियां काफी डल नोट पे शुरू होती है विद बोरिंग एंड ब्लैंड फर्स्ट हाफ, जहां पर सिद्धांत गुप्ता के कई इडियोटिक एंड चीप सीन्स है। फिल्म बीच वाले भागों में भी काफी स्ट्रगल करती है विद करण मेहरा कंफ्यूजिंग ट्रैक फॉलोड बाय फ्यू बैड सीन्स। द ओनली सेविंग ग्रेस इन द फिल्म इज शारिब हाशमी एंड हिज सीन्स विद सुजाना एंड अदर्स। हां, कैसे ये सारी कहानियां एक दूसरे से जुड़ती है ये किस्सा कमाल का है, लेकिन जब तक कि वो होता है आपका पेशेंस खत्म हो जाता है, जिसके कारण द इंपैक्ट गेट्स डाइल्यूटेड। काश फिल्म के राइटर्स डॉन की कहानी को थोड़ा और दिखाते तो फिल्म और अच्छी बन सकती थी। अब म्यूजिक की बात करें तो एक दो गानों के अलावा कुछ और खास नहीं है। हां, गार्डन गार्डन गावे इज एंजॉयबल एंड माइट अपील टू शारिब फिल्मिस्तान फैंस। डायरेक्टर अमित खन्ना एक अच्छी लव स्टोरी विद गुड कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं बट फेल्स बैडली इन इट्स एग्जीक्यूशन। फिल्म का मुद्दा और फिल्म दोनों ही कनेक्ट नहीं करती है ड्यू टू द वीक स्क्रीन प्ले एंड बैड परफॉर्मेंसेस। अमित को इस फिल्म को एक नए अंदाज में पेश करना चाहिए था। परफॉर्मेंस की बात करें तो सिद्धार्थ गुप्ता क्यूट लगने के बावजूद भी एक्टिंग का एक भी अक्षर नहीं जानते हैं। ही इज वीक इन परफॉर्मिंग एंड लाउड इन एक्सप्रेसिंग। वही सुजाना मुखर्जी स्वीट एंड चार्मिंग, लेकिन कॉमिकल सीन्स में शी ओवरडस एंड हैम्स मिजरेबली। शारिब इज द ओनली सेविंग ग्रेस इन दिस फिल्म एंड डज हिज पार्ट विद टोटल डेडिकेशन। ही इज लवेबल इन हिज क्यूट डॉन अवतार एंड शाइन्स आउट इन द कॉमिकल सीन्स। हां, उनकी फिल्मिस्तान की परफॉर्मेंस के सामने ये परफॉर्मेंस उनके लॉयल फैंस को काफी निराश करेगी। वही करण मेहरा इज entertaining in few scenes and irritating in others. Gunjan Malhotra is fine in a part. Nitin Goswami track with Shahrukh is superb, which the makers had kept more of them in the film. So, poll meri filmi khopdi, is film mein kitna hai dum? Dum? Well, ye wo type ki film hai jahan par achhe concept aur basic idea of original foreign film ke alawa kuch khas nahi hai kehne ko. Badmashiyan is slow, boring and bland film with some terrible performances. It seems like a bad mash of few inexperienced people. Watch it only for few enjoyable scenes and comical performance of Shahrukh Hashmi. इसके कारण इस फिल्म को 2 stars out of 5 की रेटिंग्स देता हूँ। For full fledged review of this movie and many more by your Bollywood guide G9 Divya Solgama, log on to Movies Adda.